आराम आराम दे जाने तो जाने चलो चलो इधर देखिए क्या कहेंगे सर आपके कैसे नहीं है भुजबल साहब है कैसे जी भुजबल जी क्या कर रहा है जी उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे इतनी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान की पूरी दुनिया उनको मानती थी आपको और इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया उन्होंने बहुत से आर्टिस्टों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है एक नेचुरल एक्टर इंडस्ट्री में नेचुरल एक्टिंग उन्हीं से शुरू हुई और ये सब आप जानते ही हैं और हमारी मेरे लिए खुशी बात ये है कि मेरी खुशनसीबी कि मैं उनके साथ टूर किया उनके साथ वहाँ बैठा हूँ बंगले पे कई बार आना जाना हुआ बहुत प्यार करते थे मेरा काम उनको बहुत अच्छा लगता था और हमारे जिले में उस साथ उन्होंने काम किया उनके साथ संघर्ष फिल्म में ये उनके साथ भी बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखने जैसी बातें हैं इतने बड़े होकर के भी हमको भी महसूस होने लगे कि हम छोटे कलाकार हैं हमारे साथ इतने प्यार से बात करते थे या बंगले में बैठ के सायरा जी को बोलते थे मैडम सुनो यहाँ कोई नहीं आएगा यहाँ जॉनी और हम बैठे हैं कोई फ़ोन नहीं कुछ नहीं ओके हाँ वो डिस्टर्ब नहीं करना इसी मोहब्बत इतना प्यार दिया उन्होंने क्या उनके लिए क्या कहें उनके बारे में कहने के लिए बाप रे बाप और उनके कहीं भी फंक्शनों में आते थे चैरिटी शो बहुत करते थे कल्याण जी आनंद जी नाइट हम करते थे उसमें चैरिटी फंक्शन जाता तो वहाँ हर फंक्शन में मोस्टली ये होते थे तो इनकी स्पीच सुनने के लिए हम तरसते थे विंग में खड़े होते थे अब ये क्या बोलेंगे इस फंक्शन में क्या बोलेंगे हर टॉपिक पे हर बात पे वो तैयारी करके आते थे बोलते डॉक्टरों के लिए अलग से बोलते थे अभी डॉक्टर भी होते हैं हमसे ज्यादा ये डॉक्टर बने चाहिए एक्टर कैसे बन गए तो इंजीनियर से उनके लिए बिल्डर के कुछ है बिल्डरों के तो बिल्डरों के बारे में कुछ कहेंगे तो ये बहुत वो वाकई इंस्टीट्यूशन थे कोई गाना बिल्कुल बिल्कुल कोई गाना आपको याद है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया अपना नहीं उनकी बहुत सारी बातें हैं अभी तो कई वीडियोस में भी आप देखेंगे एनीवे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत मेहनत